warmed up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? What up, guys? Welcome back to our channel, What Up Canada. And it is a white Christmas Eve today. Today is 24th of December and abhi raat ke subah ke infact officially 25th ho chuki hai. So you can say 25th December ke subah ke 3 baj rahe hain abhi. Isliye hum thoda dheere bol rahe hain kyunki koi hame sunega to sochega what's wrong with them. But hum abhi raat tak jaake movie dekh rahe the and bahar pura matlab aise lag raha tha jaise subah ho rahi hai, like it didn't feel like raat ke 2 baj rahe hain. So we decided ki चलो बाहर देख के आते हैं क्या है. एंड दिस इज जस्ट मैजिकल. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the storm is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be. रात के 3 बजे हमारे को ये चल मची है कि हम कुछ अतरंगी करें. कोई नहीं दिख रहा रोड पे, बस एक एक गाड़ी आ रही है हमारे यहाँ से. व्हाइट क्रिसमस का रेलेवेंस बता देते हैं. व्हाइट क्रिसमस इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर क्रिसमस के डे या क्रिसमस की ईव पे बर्फ़ गिर जाती है तो उसका रेलेवेंस बेसिकली व्हाइट क्रिसमस कहलाता है. बट व्हाई, लाइक व्हाई इज इट अ हाइप? इट्स अ हाइप बिकॉज ये हर साल पॉसिबल नहीं होता कि बर्फ़ गिरेगी क्रिसमस के ऊपर. एंड व्हेन इट स्नोज ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट्स कॉल्ड अ व्हाइट क्रिसमस. एंड इट्स लाइक आई वुड से कि बहुत ऑफन देखने को नहीं मिलती. So people really feel happy about it ki Christmas ka din hai and barf ki giri hai. So it's called a white Christmas. It is coming to visit. No, he wouldn't miss this. आधा घंटा हो गया हमारे को ऐसे ही बाहर टहलते हुए और अब ठंड लग रही है. कोई ग्लव्स भी नहीं पहन रखे हैं तो एक्चुअली हाथ फ्रीज हो रहे हैं. सो घर जाते हैं, सो जाते हैं और कुछ है नहीं करने को. मूवी देख लिया, बाहर घूम लिया, स्नो एंजॉय कर लिया. सो नाउ आई थिंक वी विल जस्ट गो होम एंड ये व्लॉग यहीं से कंटिन्यू होगा. सो स्टे ट्यून्ड. सो गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस. सो टुडे फाइनली इज क्रिसमस. सुबह हुई है एंड अगेन स्नोफॉल अभी भी हो रही है. बहुत स्नोफॉल हुई है पूरी रात. काफ़ी 10 to 15 centimeters ऑफ स्नो गिरी है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है सब कुछ. तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर थोड़ा व्हाइट क्रिसमस के और मज़े लेने बिकॉज कल तो रात को देखा था. अब थोड़ा दिन दिन में भी शूट कर लेते हैं सो दैट आपको पूरी फील दिखाई जाए व्हाइट क्रिसमस की. सो हम आए हैं स्कारबोरो एंड इतनी सुंदर स्ट्रीट लग रही है. हर किसी घर ने ना कुछ कुछ छोटी छोटी डेकोरेशन कर रखी है. बट देयर इज़ वन होम जो हम स्पेसिफिकली देखने आए हैं क्योंकि ये वाला घर 2020 क्रिसमस लाइट्स कॉम्पिटिशन जीता है. सो वी थॉट कि ये तो चेक करने आते ही हैं कैसा है. एंड ऑल्सो वेन आई वॉज रीडिंग अबाउट इट आई रेड दैट द ओनर ऑफ दिस हाउस ही एज अ किड ऑलवेज विश्ड फॉर वाइट क्रिसमस. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स शो यू. आओ देखते हैं. सो बेसिकली द रीज़न ये लोग इतना अच्छा डेकोरेशन करते हैं बिकॉज दे ऑल्सो सपोर्ट अ रियली गुड कॉज. एंड ये घर जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं क्रुएल्टी फॉर एनिमल्स फॉर द डरहम रीजन. सो इफ यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि सेविंग वन डॉग विल नॉट चेंज द वर्ल्ड बट फॉर दिस वन डॉग द वर्ल्ड विल चेंज फॉर एवर चेंज्ड. तो एक डॉग ये ऐसा रेस्क्यू हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ सोची कि हम डोनेशन इस कॉज में लगाते हैं. एंड देन दे हैव प्रोवाइडेड द कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड यू कैन डोनेट मनी इफ़ यू वॉन्ट.
तो ये एक नोबल कॉज के लिए जाएगा। सो इस घर की जो मेन अट्रैक्शन है, वन इज जो लाइट्स होती हैं, एंड दी मेजर थिंग लाइट्स से भी ज्यादा जिसलिए लोग आते हैं, दैट इज इन्होंने जो सेंटा बना रखा है बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई विल शो यू व्हाई, बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर सेंटा, बट दिस सेंटा लुक्स वेरी रियल। तो अगर आप देखोगे वो एकदम अपने चेयर पे बैठे हुए एंड ही इज वेविंग टू एवरीबॉडी। सो ये एक चीज है जो कि सब लोग देखने जरूर आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ना एक मेल बॉक्स बन रखा है जिसमें काउंटर चल रहा है। सो आई थिंक जितने दिन बचे होते हैं टू क्रिसमस, यहाँ पे वो बढ़ता जाता है। सो सिंस टुडे इज क्रिसमस, नाउ इट शोज 365 डेज अंटिल क्रिसमस। सो अंटिल नेक्स्ट क्रिसमस दे आर 365 डेज। और ना मैंने इनका इंटरव्यू देखा, उसमें बहुत फनी था। सो दे आस्क्ड देम कि कब तक है आपका ये यहाँ पे, तो ये 6 जनवरी तक होता है। सो दे सेड ओके देन आफ्टर 6 जनवरी व्हाट विल यू डू। सो ही सेड सिंस 7 जनवरी आई स्टार्ट प्लानिंग फॉर माई नेक्स्ट क्रिसमस डेकोरेशन। सो ये पूरा साल अपने क्रिसमस की प्रिपरेशन में लगाते हैं, एंड देन तभी जाके इतना ये सुंदर और अमेजिंग डेकोरेशन इन्होंने की है। Very nice. Yeah. Wonderful. Yay! So we are still here और lights जल गई हैं। देखो कितना मस्त। Merry Christmas. So अभी वो अंकल जो थे वो बाहर आए and he said कि मैं देखा कि तुम लोग shoot कर रहे हो यहाँ पे, so he specially put on the lights and अब आप देखोगे तो सब जगह lights ही lights आ चुकी हैं and it looks so beautiful. मतलब विदाउट लाइट्स तो वैसे ही अच्छा लग रहा था, बट लाइट्स के साथ ऑल द मोर ब्यूटीफुल हो चुका है ये। सो वी विल कवर इट वंस अगेन बिकॉज ऑफ लाइट्स के साथ अलग ही फील आ रही है पूरी। So hi guys, we are in Scarborough and we are at this very beautiful house, and we have Jerry with us. And first of all, Merry Christmas to you, Jerry. And same to you. So we would like to ask you a couple of questions here. That what drives you to do this every year? And since how long you have been doing this? Probably about 15 years or so or more. And just every year I get more, you know, put more and more up. Mm-hmm. And I just enjoy doing it. People get a great kick out of, you know, coming by, and the kids love it. And really? This year especially, with the way the year has been. Yeah. And I've got my big Santa Claus, and a lot of kids had their pictures taken with Santa Claus there because they can't in the malls anymore. I particularly like the Whoville theme over there. Yeah, oh yeah. So for all the Grinch fans, we have the Whoville. All good. Well, all the figures, like the characters, I cut them out. Oh. And my daughter paints them. Oh, nice. All the dolls that you see are all our grandchildren, great grandchildren, our kids, our children when they're old. How much time does it take to, you know, decorate everything? I started beginning in November, so it takes me about a month. And then I just, you know, touch up. Thanks for your time, Jerry. Or your Nova. Have a Merry Christmas and happy holidays. And take care. Okay. Thank you so much. Bye bye. So हम नेक्स्ट आए हैं नॉर्थ यॉर्क में। दिस इज कॉल्ड डिसेरियो फैमिलीज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एक्चुअली में जैसे विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लगते हैं, आपने नायग्रा में देख रहा होगा हमारे ब्लॉग में, या हम जो ड्राइव थ्रूज में गए थे, इनका घर पूरा का पूरा वैसे डेकोरेटेड है। इट इज़ लाइक यहाँ पे इन्होंने पूरा ही एक फेस्टिवल बना रखा है, एंड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो देखते हैं और एक एक एलिमेंट को चेकआउट करते हैं। आ जाओ। जो कि ये डेकोरेट करते हैं अपना घर, दे आर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे प्रमोट डोनेशन, सो दैट यहाँ पे सब आए, इंजॉय करें लाइट्स को और डेकोरेशंस को, बट दे कैन डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी एज वेल। सो ये लोग एसोसिएटेड हैं विद सिक किड्स,
एंड इफ यू सी हियर, यहाँ पे जगह जगह पे डोनेशन बॉक्सेस बने हुए हैं, वेयर यू नो पीपल हु आर कमिंग बाय दे कैन ड्रॉप बाय डोनेशंस एज वेल. सो इट इज़ नॉट ओनली फन बट ए कम्युनिटी सर्विस का एस्पेक्ट भी रहता है व्हेन यू नो क्रिसमस इज बीइंग सेलिब्रेटेड हियर. आज का दिन आई थिंक बहुत अच्छा था. मुझे लग नहीं रहा था क्रिसमस हम इतना अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज पिछले कुछ दिन से बहुत लो चल रहा है बिकॉज ऑफ विंटर्स हैं और लॉकडाउन है. बट ये डेकोरेशंस देख के बहुत मज़ा आया. ऊपर से स्नो हो रही है सुबह सुबह और पहले बहुत मज़ा आ रहा था बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अब वाट लग रही है, बहुत ठंड लग रही है. सो आई थिंक वील हेड होम क्योंकि पूरा दिन हो गया हमारे को स्नो में. सो आई थिंक अब घर जाना चाहिए बट आई थिंक वी इन्जॉयड सो मच एंड वील वेट फॉर नेक्स्ट क्रिसमस क्योंकि हर टाइम हमारे को अब 2 साल हो गए हैं यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए एंड लास्ट ईयर और इस साल बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस था. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर्स क्रिसमस बट टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल. होप यू इन्जॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.